पढ़ा था, मानचित्रण का अध्ययन किया था, मानचित्र और ग्लोब क्या है। अब भूगोल में अगला जो आता है, वास्तव में पढ़ाना था आज हमें अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा, लेकिन उसके पहले कुछ बातों को हम जान लेते हैं ताकि अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा पढ़ते समय उनकी झंझट ना आए। तो पहले अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के जानने से पहले आते हैं, पहले कुछ चीजों को देख लेते हैं कि इन रेखाओं की जरूरत क्यों पड़ी। वास्तव में अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा का किसी भी का पृथ्वी पर कोई वास्तविक रेखा ऐसी नहीं है, यह रेखाएं काल्पनिक हैं। अब मन में सवाल उठता है इन काल्पनिक रेखा का निर्धारण क्यों किया गया। तो देखिए, भूगोल के अध्ययन को सरल और सहज बनाने के लिए इन रेखाओं या रेखाखंडों का, इन रेखा के जाल को हमें बनाया गया, बुनना पड़ा, ताकि भूगोल का अध्ययन करते समय इसमें आसानी हो। आप कहेंगे सर इसकी क्या जरूरत थी, जैसे मैंने पूछ लिया कि आपका घर कहाँ है तो आप कहाँ बताएंगे, उत्तर प्रदेश का कोई जिला, भारत का कोई ऐसा राज्य, उसका कोई जिला, गांव का नाम, तो मैं कैसे जान पाऊंगा। अगर आप ये बताएं सर सरयू नदी किनारे से 4-5 कदम जाने के बाद एक बाएं साइड एक छोटा सा मंदिर, उसी बगल मेरा घर है, तो मैं आसानी से पहुंच जाऊंगा। तो इसलिए इतने बड़ी पृथ्वी, इतने बड़े ग्लोब का अध्ययन करने के लिए हमें कोई एक आधार संरचना चाहिए था, जिसके लिए ग्लोब एटलस के बाद अगला जो आता है वह मापन आता है। ये मापन कैसे हैं, मैं इनको पहले आपको समझा दूं। जो ये मापन होते हैं ये सभी कोणीय आधार पर होते हैं। कोणीय आधार क्या होता है ये मैं आपको मैथमेटिक्स के थ्रू में बता दूंगा, और रेखाओं के जब बारी आएगी वहां पे भी मैं बताऊंगा इसकी जस्ट बात की वीडियो में। तो ये कोणीय क्यों है, क्योंकि ग्लोब क्या है, पूरा गोला होता है। अगर ऐसे हम गणित के दृष्टिकोण से देखें तो एक ठोस आकृति है, स्फीयर कहते हैं ना, ठोस है, और ठोस है, वृत्त नहीं है, वृत्ताकार है लेकिन वो है ठोस, 3D आकृति है, और वृत्त 2D आकृति है, तो ये ठोस आकृति है। तो ठोस आकृति में एक चीज और मिल जाएंगी, इसका जो पूरा कोण होता है जो 60 डिग्री होता है, माने इस पे जो भी रेखा के जाल खींचे जाएंगे वो 360 डिग्री के आधार पर खींचे जाएंगे, तो माने कोणीय दूरियां है। इसमें बहुत सारी दूरियां देखने को मिलेंगी जो क्या है, कोणीय दूरी है, इसके नाम है अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। उसके पहले हम जानते हैं, आपने ग्लोब देखा ही होगा, ग्लोब क्या है, ये ग्लोब आप देख लीजिए, ग्लोब के साथ परिचित भी होंगे, आपने ग्लोब देखा भी होगा अपने आसपास या इतनी क्लास में भी आपने। तो जो ग्लोब होता है यह, यहाँ पे देखिए दो एक्सिस होते हैं, देखिए एक एक्सिस यहाँ, एक एक्सिस यहाँ, इसे अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्ष, जिस पर ये घूमता इसे हम धुरी कहते हैं, माने जिस बिंदु पर ये चक्कर काटता है उसे हम धुरी कहते हैं। इस दोनों क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं। ये जो ऊपर का बिंदु है इसे उत्तरी ध्रुव और इसे दक्षिणी ध्रुव। उत्तर दक्षिण क्यों, मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, दाएं हाथ पे पूर्व, बाएं हाथ पे पश्चिम, ठीक है। तो ये उत्तरी ध्रुव हो गया, ये दक्षिणी ध्रुव, ये उत्तरी एक्सिस, उत्तरी अक्ष और ये दक्षिणी अक्ष, किस पे घूमते हैं, अपनी धुरी पर घूमते हैं, ठीक। ये आपको समझ में आ गया, और आगे बढ़ते हैं, इसके इसी के आधार पर बढ़ेंगे। अब रेखाएं कैसी हैं, अब इसमें कैसे रेखा खींचेंगी, काल्पनिक है, काल्पनिक है तो हमने पहले बता दिया, क्योंकि जो भी रेखाएं हैं वे सभी काल्पनिक है। अगर मेरे मुंह से निकल जाए रेखा तो आप जानिएगा वो काल्पनिक है, बार बार मैं एक शब्द का उच्चारण नहीं करूंगा। क्यों, कोणी बनाई गई, कोणी कैसे बनाई गई, उसके रीजन क्या क्या है वो देख लेते हैं। पहले इतनी बड़ी पृथ्वी को अध्ययन कर से किया जाए तो सीधी सी बात है, ग्लोब कैसे अध्ययन किया जाए, तो पहले इसको बीच से काट दिया गया। जब बीच से काट दिया गया, इसे इस पार्ट को अलग कर दिया गया, तो दो पार्ट में डिवाइड हुआ, कैसे हो गया देखते हैं, फिर ग्लोब के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ये था पूरा ग्लोब का माना, पहले इसको क्या किया, पहले बीच से काट दिया। तो जब बीच से काट दिया, यहां से काट दिया, जब बीच से काट दिया तो दो भाग में डिवाइड हो गया, क्या, दो भाग में, ऊपर वाले कहेंगे उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले कहेंगे दक्षिण, क्योंकि हमने पढ़ा है, देखिए आपने भी पढ़ा होगा, आपको मैंने पढ़ाया बताया भी था, ईएमएफ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो ये ऊपर क्या है, इसे नॉर्थन हेमिस्फीयर कहते हैं, इसे साउथन हेमिस्फीयर, मानिए उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध। ये बीच का जो रेखा ये डिवाइड कर दे दो पार्ट में, दो पार्ट में डिवाइड करने मतलब कैसा प्रतीत होगा, अभी ऐसा प्रतीत होगा, देखिए जैसे ये, जिसे हम कह सकते हैं अर्धगोला, अर्धगोला। तो ये ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध, समझ में आ गया आपको, ठीक। अब जिस रेखा से ये अलग होता है, अभी अक्षांश में भी पढ़ेंगे उसको, उसे क्या कहते हैं, ये 0 डिग्री, इसे कहते हैं मध्य रेखा। तो एक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया कि भूमध्य रेखा के उत्तर का जो क्षेत्र है उत्तरी गोलार्ध, और जो दक्षिण का क्षेत्र है दक्षिणी गोलार्ध। तो आपको लिखना नहीं है, समझ ली, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध, ये था, इसे अक्षांश रेखा कहते हैं। अभी आगे हम लोग फिर देखेंगे, फिर यहीं से देखिए एक पार्ट और किया गया, 0 डिग्री रखा गया, इसे हम कहते हैं ग्रीनविच रेखा, आगे उसके बारे में लोग पढ़ेंगे, प्रधान मध्य रेखा भी कहते हैं इसे। तो इसके भी, ये भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया ग्लोब को। अगर मान लीजिए इस समय ये रेखा नहीं है, क्या किया, ये भी ग्लोब को दो भागों में डिवाइड कर दिया,
कितने भाग में? दो भाग में। अब ये कौन सा हिस्सा हो गया? अब दिख रहा है ना, ये पूर्व हो गया, पश्चिम तो हो गया पूर्वी गोलार्ध, हो गया पश्चिमी गोलार्ध। कॉन्सेप्ट क्लियर है? पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चलिए, पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध हो गया। ठीक, क्या क्या देखा हमने? उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी। जीरो डिग्री प्रधान मध्य रेखा या ग्रीनविच रेखा, ठीक, और बीच में क्या था? जीरो डिग्री भूमध्य रेखा। इतनी चीज समझ में आ गई। चलिए, अब ये बीच में है, ये अक्ष है, ये अक्ष है एक्सिस, जिसपे घूमते वित्त भी वो धूरी है। झुकाव के बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। ये क्या है? ये एक्सिस है, देख रहे, अक्ष कहते हैं। और ये जो ऊपरी बिंदु होगा, उत्तरी बिंदु है, ये इसे कहते हैं उत्तरी ध्रुव। इसे क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। और अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं हमेशा जहां भी मिलती है सदैव समकोण बनाती। भैया देखिए, अभी देखिए, हम लोग खींच के बता देते हैं। ये रेखा यहाँ थी, ये रेखा यहाँ थी, क्या बनाया इन्होंने? 90 डिग्री समकोण बनाया। तो ऐसे जितनी भी रेखाएं मिलेंगी वो क्या करेंगी? समकोण बनाएंगी। और बाकी जो इनकी बारीकियां वो आगे देखेंगे। इन्हें ग्रिड कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रिड कहते हैं। देशांतर रेखा चंद्र के बीच की जो जगह होती है उसे ग्रिड कहते हैं। अभी आएगा गोर शब्द, आएगा आप लोग वहां बताएंगे। ये ग्रिड मिला आपको, तो यहां से हमें जो चीज सीखना थी वो ये सीखना था हमें कि पहले ग्लोब का छोटा सा परिचय लेते हुए चलते हैं। और पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। किधर से घूमती है? पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ घूमती है। किधर से? पश्चिम से पूर्व। ये कैसे समझ में आएगा? देखिए, आप बस या ट्रेन में बैठे होंगे। जब बस और ट्रेन में बैठते हैं तो पेड़ पौधे किधर जाते हैं? पीछे भागते हैं। साइकिल वाला पीछे भागता है, खंबा पीछे भागता है। लेकिन वास्तव में कौन चलता है? हम और आप चलते हैं। मतलब ट्रेन चलती है, बस चलती है, पेड़ स्थिर रहता है। उसी प्रकार सूर्य जो है, सूर्य वो एक जगह स्थिर है, लेकिन पृथ्वी क्या है? इस तरह से घूमती है। तो घूमती है, हम पश्चिम से पूर्व जाते हैं और हमको लगता है रोज सूर्य पूर्व निकलता है, पश्चिम में जाता है। लेकिन वास्तव में सूर्य स्थिर है। सूर्य क्या है? स्थिर है। सूर्य क्या है? स्थिर है। और चक्कर को लगाता है हम किधर से? पश्चिम से पूर्व। ऐसा लगता है वो पूर्व से पश्चिम जा रहा है, जबकि वास्तव में पश्चिम से पूर्व हम आते हैं उस ट्रेन और बस की भांति। इसलिए सूर्योदय हमारे कहाँ होता है? पूर्व में होता है, और सूर्यास्त का होता है? पश्चिम में होता है। ये छोटी सी ऐसी बारीकियां थी जो मैंने आपको भी बता दिया, छोटा सा परिचय था। और अक्षांश देशांतर रेखा इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। और पहले अक्षांश रेखा पढ़ेंगे, फिर देशांतर रेखा पढ़ेंगे, फिर मानक देशांतर रेखा पढ़ेंगे, फिर भारत का मानक समय पढ़ेंगे। ये इसको 3 से 4 वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये जीएस के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। और वैकल्पिक विषय के रूप में अगर तो नहीं पढ़ रहे, लेकिन मजबूरी है, इसको थोड़ा समय बढ़ा के बताना पड़ेगा। हाँ, एक बात और, ये सामान्य अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। आप नोट्स साथ में बनाते हुए चलिएगा, और उसके लिए आप कॉपी और ले लीजिए, और डेली वीडियो आपको अपडेट मिलेंगी। हाँ, किसी दिन अगर हो सकता है तबियत खराब होने की वजह से या अन्य कारण वजह से आपको नहीं मिल पाती है, तो इंतजार करिएगा। आप क्रमिक रूप से मैं अगले दिन अपनी रात जाग जाऊंगा, अपनी नींद खराब होने, लेकिन आपको वीडियोज दूंगा। मेरे यहाँ मेरे साथियों द्वारा आपको लगभग सभी सब्जेक्ट की वीडियोज मिलने शुरू हो गए। आप सामान्य अध्ययन के लिए भी, और सीटेट, यूपीटेट, सुपर टेट, वनडे एग्जाम और सिविल सेवा की परीक्षाओं के लिए भी अब प्रायः रूप से प्रारंभ हो चुका है। अगर आप इच्छुक हैं, यदि आपको लगता है कि यह अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप जुड़िएगा, अपने साथियों को भी जुड़िएगा। इस वीडियो लिंक को सभी तक शेयर करिएगा। शेयर करने के लिए इसलिए मैं कहता हूं, ताकि हो सकता है आपकी वजह से आपको वीडियो ना पसंद हो, लेकिन यह वीडियो किसी की जिंदगी बदल सकता है। क्योंकि बहुत सारे टीचर हैं, बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं मुझसे बेहतर पढ़ाते हैं, लेकिन हो सकता है मेरा पढ़ा उसे समझ में आ जाए। इसलिए आप किसी की मदद करना चाहते हैं जिस तरह मैं आप ही कर रहा हूं, आप इस वीडियो लिंक को शेयर करिएगा अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, अन्य जगह जहां भी कर सकते हैं, ताकि किसी जरूरतमंद का भला हो सके या किसी के लिए आप कुछ बेहतर कर सके। तो आपको इसकी नोट्स बनाते रहिएगा, जल्दी तैयार करिएगा, अगली वीडियो आपको मिलेगी। तब तक के लिए आपको 150 रुपये में पढ़ते रहिए और अपनी जिंदगी का बेस्ट देते रहिए। सफलता तो जरूर आएगी एक ना एक दिन। जय हिंद, जय भारत।